In what can be termed as an embarrassment to the UP government, the Lucknow SJM court has returned the charge sheet filed against BJP President Amit Shah over technical grounds in an alleged hate speech case. The charge sheet was filed against Shah for allegedly making a hate speech in Muzaffarnagar while campaigning for his party during the 2014 Lok Sabha elections. भाई 188 में चार्ज शीट दाखिल नहीं हो सकती, कंप्लेंट होगी, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करेगा, जिसका ऑर्डर का वायलेशन हुआ, जिसने दफा 144 लगा रखी थी ना, वो कंप्लेंट फाइल करेगा मजिस्ट्रेट। और जो है 173(2) में मुलजिम को साथ लेकर आवेगी पुलिस, जब अरेस्ट करके जब आवेगी चार्ज शीट, या ये अपना प्रयास दिखाएगा कि हमने करा, हम कूद कूदी कुछ और वो भाग गया, या हाथ नहीं आया, या भाई और कोई उसके गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, खरा तो कुछ नहीं ला के धर दिया। Shah was caught in the eye of a huge controversy for allegedly saying that the 2014 Lok Sabha polls were an opportunity for the people to seek revenge for the insult inflicted on them during the 2000 riots which took place in Muzaffarnagar, UP. अगला प्रश्न यह तो गिरफ्तार कर रहा है और यह सेक्शन हटाएं? यह सेक्शन हटाएं? हाँ। एफआईआर लगाओ नहीं, दूसरे सेक्शन में तो 153 है। The charge sheet was filed against Shah in a Muzaffarnagar court for seeking votes on the basis of religion, caste, race and community. इसके पीछे दोनों, हाँ, सपा की इसकी मिली भगत है दोनों की, हाँ भाई, इन्हें दोनों को, एक को हिंदू चाहिए, एक को मुसलमान चाहिए, हमें लड़ा रहे दुनिया को, मतलब, और उसका तमाशा मजा ले रहे। राजनीति के अलावा क्या है? अरे भाई जब यहाँ जिले में था वो, जब ही गिरफ्तार कर लेते, दिखाओ करके उसे दम है तो। Powered by NNIS.